किसना और सप्तपाश। मैं तो भूल ही गया। क्या भूल गए? मैंने इतनी देर से कुछ खाया ही नहीं। बल्लू भैया, ये रही माँ की बनाई हुई कचौड़ियाँ। कचौड़ियाँ? हुआ मुकाल। लो कर लो बात, मुकाल करे और काम ना हो, खुद ही देख लो। महाराज, प्रधान भोला ने रस पी लिया है, अब देखिए क्या होता है। शाबाश मुकाल, ये लो तुम्हारा इनाम। मोतियों की माला को मैंने गले में डाला, खो गया झींगा लाला। काओ काओ काओ। ये मुझे क्या हो रहा है? ये भोला जी क्या कर रहे हैं? ये प्रधान जी को क्या हुआ? वो नाच क्यों रहे हैं? कुछ गड़बड़ लगती है, चलो चल कर देखते हैं। अगर आप ऐसे ही नाचते रहे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। गुरुजी, ये भोला जी को क्या हो रहा है? भोला जी का ये असाधारण व्यवहार, ये समस्या कुछ गंभीर लगती है। ये प्रधान जी को क्या हो गया है? कुछ तो बताओ, हुआ क्या है आखिर? वैद्य जी, भोला जी ने तो संतरे का रस पिया, लेकिन उनका गिलास हरा क्यों है? ये एक विषैली जड़ का रस है जो संतरे के रस में मिला दिया गया है। विषैली जड़? अब क्या होगा? इस विष का इलाज कैसे होगा वैद्य जी? इसके इलाज के लिए तो विशेष फूल लाना होगा। पर ये फूल हमें कहाँ मिलेगा? विचित्र वन में। विचित्र वन में? विचित्र वन? विचित्र वन? और ये फूल सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही खिलता है। पूर्णिमा तो आज रात ही है। महाराज, अब प्रधान भोला जिंदगी भर नाचता रहेगा। भोला नाचता रहेगा और हम आनंद नगरी पे हमला करके वहाँ कब्जा कर लेंगे। थैया थैया थैया। उसके बाद आनंद नगरी के महाराजा होंगे आप, महाराजा दुर्जन। थैया थैया थैया।
वैद्य जी, मुझे जल्दी ठीक कर दीजिए, अब मैं बहुत थक गया हूँ। चिंता मत कीजिए, दुर्मुख दवा का फूल लेकर आता ही होगा। प्रधान जी ठीक हो जाएंगे ना किसना? जरूर ठीक हो जाएंगे सुद्दी। राधिका, तुम्हें तो उस फूल की पहचान है। हाँ किसना, हमें तुरंत विचित्र वन जाने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन हम विचित्र वन पहुँचेंगे कैसे? पिताजी की किताब में वहाँ का नक्शा है। राधिका, तुम वो नक्शा लेती आना। ठीक है। मिल गई किताब। मिल गया विचित्र वन का नक्शा। चलो विचित्र वन। त्रिकाल, किसना विचित्र वन में फूल लेने जा रहा है। महाराज, वो जा तो रहा है लेकिन वापस नहीं आ पाएगा। वो कैसे? ये है मेरा सप्तपाश, ये किसना को खा जाएगा। ये छोटा सा पौधा? हाँ महाराज, ये छोटा सा पौधा कुछ ही देर में 7 हाथों वाला एक बहुत बड़ा पेड़ सप्तपाश बन जाएगा और सप्तपाश किसना को निगल जाएगा। कमालम धमालम चमत्कारम त्रिकालम। चाहिए मैं तो थक गया। विचित्र वन में तो सब कुछ कितना बड़ा है। इसीलिए तो इसका नाम विचित्र वन है। ये तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। बल्लू भैया दे दो, चींटियां भूखी हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ये तो मेरे हैं।
चींटियों की सवारी में तो बहुत मजा आ रहा है। मजा तो आएगा ही, मेरे सारे मिठाइयाँ जो खा गई। वाह, कितने सुंदर फूल हैं। ये रुक क्यों गई? लगता है इन्हें और मिठाइयाँ चाहिए। सामने खाई है, चींटियाँ इसीलिए रुक गई हैं। खाई? बज गई घंटी। किसना, हमें विशेष फूल लेने के लिए खाई पार कर उस तरफ जाना होगा। आगे चलकर देखते हैं। शुक्रिया दोस्तों। हम इसे कैसे पार करेंगे किसना? इस मधुमक्खी पर बैठकर हम उस पर कैसे जाएंगे किसना? आओ मेरे साथ। चलो कूदो। सब तैयार? तैयार। अब हमारा विमान उड़ने वाला है। शुक्रिया दोस्त। ये हवाई यात्रा तो बड़ी मजेदार थी। हाँ राधिका, लेकिन हमें अब जल्दी से वो फूल ढूंढना चाहिए। लेकिन जब तक चांद की रोशनी उस फूल पर नहीं पड़ेगी, वो हमें नहीं दिखेगा। सुधी, बज गई घंटी। वहाँ सच में कुछ है। हाँ है, चूहा। तुम इतना डरते क्यों हो सुधी? काश गुरुकुल में कक्षा खत्म होने की घंटी भी ऐसे ही जल्दी जल्दी बजती तो पढ़ाई ना करनी पड़ती। नहीं, वो मैं वो आओ सुधी, तुम मेरे साथ चलो। बच गई घंटी, सुधी सच बोल रहा था। हटो रास्ते से। ये तो गुस्से से लाल पीला हो गया। भैया हटो। अरे ये कहाँ गया? गिर जाएगा। सब लोग अलग अलग दिशाओं में दौड़ो। ठीक है। आओ
अब थोड़ी देर आराम करो। त्रिकाल, किसना इस भयानक क्रिकेट से बच गया? किसना अगर इन सब से बच भी गया तो भी मेरे सप्त पास से कभी नहीं बच पाएगा। कहाँ है वो फूल? वो फूल यही कहीं होना चाहिए। वो देखो उस पहाड़ी पर। तुम सब यहीं रुको, मैं फूल लेकर आता हूँ। बलू मस्ती मत करो। मैंने कुछ नहीं किया। सुद्दी मजाक मत करो। मैंने कुछ नहीं किया। हम इस पेड़ के पेट में हैं, ये हमें निकल गया है, हमें जल्दी बाहर निकालो। मुझे पकड़ो। क्यों, क्या हुआ? दादागिरी गायब? आओ आओ पकड़ो ना मुझे। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाथ उखाड़ने से कुछ नहीं होगा, ये उन्हें फिर से उगा लेगा। क्योंकि ये मामूली पेड़ नहीं है, पता नहीं इसे ताकत कहाँ से मिल रही है। इसके पेट में रोशनी का एक गोला है, कहीं इसकी ताकत उसमें तो नहीं? जरूर ऐसा ही है, मैं जाकर देखता हूँ। Oh, my God.
तुम सब यहीं रुको, मैं फूल लेकर आता हूँ। मैं ठीक हो गया। ये क्या हुआ? मैं ठीक होने की खुशी में नाच रहा हूँ। धन्यवाद कृष्णा, आज तुम्हारे साहस की वजह से मुझे इस परेशानी से मुक्ति मिली है। जो कोई ना कर पाए वो कृष्णा कर पाए।